सब भाण भैया ने राम राम राम। एक कहानी बताऊंगा किसान की समझदार बेटी। पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। एक किसान रहा करतो एक गांव में, तो उसकी सारी जमीन एक लाला जी थो उस गांव में, उसका गिरवी थी। तो वो खेत में खूब मेहनत कराया करतो, जमीन गिरवी थी लेकिन ऊपर खेती वो ही कराया करतो वो किसान है। तो उसको ब्याज लिया करतो लाला जी। वो खेती जब पूरी काट कूट की फसल आ रहे उसकी जब बिक्री होया करती ने, तो आपकी फसल जितनी भी होया करती उसका 3 हिस्सा कर लें दो। उसका एक बेटी थी, वो परिवार में बस दो ही रहा करता, बाप और बेटी। तो वो 3 हिस्सा धर लें दो, मतलब वो पैसा ने एक तो भाई लाला जी को ब्याज और एक हिस्सा धर लिया कर तो बेटी की शादी खातर बचा बचा एकदम। तो गरीब आदमी भाई जमीन भी गिरवी है कितने ले आओ, तो वो हर साल अपनी बचत फसल में तो बचा बचा उस बेटी की शादी खातर धर लें दो और एक हाँ एक हिस्सा अपने भाई राशन रूशन खातर, तो उसको काम चली जान दो। एक बार इसी हुई कि जब वो फसल बोण बाण खातर बाण चल लियो, तो अच्छी तेज बारिश आ गई। अच्छी तेज बारिश आ गई तो उसका सारा खेत पानी का भर गया। हाँ वो है क्यों कर सारा खेत पानी का भरण का कारण है वो खेती ना कर सके। उस पर खेती ना कर सके तो दोनों बाबू बेटी जा खेत में, अभी कई दिन बो ना सके पानी को नहीं सूखे उसको, तो दोनों बाबू बेटी मतलब रोए हैं कि वह अपनी साल गुजारो किस तरह हुआ। वो लाला जी को ब्याज भी देनू और भाई राशन पानी खातर भी चाहिए, वह कितना होगा। हाँ तो लाला जी आया कर तो उसके मांगण खातर, जब वो आपकी फसल बोया कर तो ना और काट की नर वो बांट लीन दो, तो लाला जी आया कर तो उसका भाई लिया मेरे ब्याज दे। तो जब वो शुरू में आए उसके मांगने ब्याज भाई किसान लाल लिया मेरो ब्याज दे, तो वो आपको हिस्सो उठा के लिया भाई जो लाला जी थे उसने दीनू थो वो हिस्सो उसने दे दियो लाला जी ने। और लाला जी की नज़र उसकी छोरी पर पड़ गई, तो उसने सोची भाई बोले उसने भाई छोरी ब्याण मानोगी किसान लाल है इसकी शादी शुद्धी। बोले लाला जी इसकी शादी खातर भी देखूं हूँ कोई बालक मिल जाए ठीक है, शादी लायक तो एक ही शादी तो करूँ कराएंगा इसकी। तो लाला जी की नज़र उस छोरी पर रही और आपके घर न चले गए या कह की गिण के आपका ब्याज का रुपया गिणा अब भाई पूरा से चले गए। तो वो रात ने भी दिन में आए सोच तो रहे हो उससे की सूरत दिखी जाओ उसने हाँ मन में पाप हो गया उससे देखी, मतलब मन पत्ते हुआ छोरी ना उतरे आख शादी इस छोरी तो हो जाए तेरी, खूब सुतरी छोरी थी किसान की। तो इस तरह उसने एक साल लेकर गयो बहुत फसल के ऊपर दिन दो उसने ब्याज भी उजे। तो दूसरा आंधी साल जब वह उसके खेत में नाज हो को नहीं बारिश आ गई दोनों बाबू बेटी रू, तो भाई आ गया वो घर ने देख दिया कि नर लाला जी का टेम हो फसल को मतलब ब्याज लेने को ब्याज लेने को टेम हो, तो लाला जी ने तो ही टेम पर आनो उसके घर ने आके ने बोले भाई किसान लाल लिया मेरे ब्याज ब्याज दे मेरो। तो किसान लाल कितने दे ब्याज बोल ला, तो हाँ लाला जी आगे जोड़ की खड़े हो गए आते लाला जी का तो मारिया गया ब्याज तो कितने दी मैं मेरे तो फसल को नहीं हुई इब के मेरे तो खान का भी सस्ता पड़ गया मैं मतलब खावा भी कितने खावा कितने का ये भी सारी फसल खराब होगी बारिश का हाँ पानी भर गयो फसल को नहीं हुई कितने ब्याज दो। लाला जी बोले मन्ना तो मेरा ब्याज चाहिए भाई। फिर बोले ब्याज तो मेरे को नहीं के को नहीं भाई हाथ जोड़ी खड़े बेचार गरीब आदमी तो हाथ जोड़ के खड़ी कर उसका है ना आके हाथ तोड़क पा तोड़े ना हूँ जीत। तो लाला जी की नज़र तो उठी छोरी पर कि यह काबू मास का है इस टाइम पर इस बात के ऊपर तेरे साथ इसकी शादी कर सका है मजबूर से और मजबूर आदमी को फायदे उठानो नहीं चाहिए, लेकिन लाला जी ने सोची मैं इसको फायदे उठा लूँ। तो उसने बोले भाई उपाय तो मैं बता दी तन ब्याज तारण को बोले बता लाला जी के उपाय है।
बोले न्यू करती रही बेटी से मीना, इसकी मेरे साथ शादी कर दी, मतलब ब्याज मूल अंतर सबके माफ कर दी हूँ, तेरे कन के मनी लियो निकन दिए दोनों बाप बेटी, मतलब चक्कर में सोच पड़ी में पड़ गया। आखिया ला बात लाला जी ने किस तरह कह दी भाई, लाला जी बुढ़ो आदमी, बाप ते भी बड़ी उम्र को छोटी बालक और वह बालक है, तो बोले लाला जी ये तो गजब हो जाएगा, न्यू तो कोनी बने बात। बोले सोच ले भाई, मन्ना तो मेरा ब्याज ही चाहिए, चाहे तो मेरा ब्याज दे दे और चाहे भाई या लड़की दे दे, एक चीज तो एक काम तो तन करना पड़ेगा। तो बाप बेटी का नहीं देखा, बेटी बाप का नहीं देखा है, भाई के करा ही के रुपया गरीब आदमी अमीर पैसा हो उस वो तो हाथ उधार भी मिल जाए, और गरीब आदमी कोई पैसा भी ना दे उधारे के भाई तारे को कितना कोई को नहीं दे पैसा वैसा कम है। तो बाप बेटी सोच में पड़ेगी, अगर जब पैसा जब तू शादी करे तो पैसे ये उतारे बाप को ब्याज है ना ही उतारे को नहीं, तो सोच साच की न रहे। वह दोनों सोची गया कई बार होगी। तो लाला जी बोले उपाय तो तुमने मैं बता दूंगा, एक तर वाले तो मैं काट दूंगा बात को। तो बोले भाई काट के हल काट देगा। बोले उरे पत्थर मतलब कांकर पत्थर तो पड़े आए रहे हैं, तो दौड़े दौड़े रंग का भी हूँ, काला काला रंग का भी हूँ, कांकर दो तीन डाल के हूँ। तो बोले ये दो पत्थर पड़े आए हैं, दो पत्थर ठाऊंगो मैं, एक काले रंग को और एक सफेद रंग को, और ये दोनों पत्थर एक गड्ढो से बना लिए। बोले गड्ढा गिरूंगा मैं, तो अगर रिया मीना बिना देखे उनमें तो एक पत्थर बाहर काट देगी, जब पत्थर काला रंग को तो काट लियो तो इसने मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, मैं तर सारा ब्याज माफ कर दूंगा। अगर इसने पत्थर काट दे सफेद रंग को तो भाई मैं इसका साथ शादी भी नहीं करूंगा, और थारो ब्याज भी माफ ब्याज भी छोड़ दूंगा, तो तुम बच जाओगा। तो लाला जी ने तो चाल खेल ली थी कि ये न्यू फंस जाएगा जाल में तेरा, उनका मन में तो थोए पाप है। तो न बाप बेटी, बाप बेटी सोच में पड़ गया, अगर वही सच्ची माँ से अगर लाला जी न्यू कर देगा और केवर अपनी किस्मत अजमा तो लिया, केवर सफेद पत्थर लिकड़िया कदा जी ने, तो नहा कर दी। तो लाला जी ने पत्थर ठाया, बाप तो चिंता में ही रही गयो, देखी जा के हो किस तरह ठाओगो, कौन सो पत्थर लिकड़ेगो, करनी पड़ेगी शादी नहीं, वो तो मतलब सोच में उनको लाला जी का हथ का नहीं ध्यान को नहीं। लाला जी ने दोनों काला पत्थर ठा लिया, क्यों काला पत्थर लेकड़े जी दवा शादी करे, शादी करे, दोनों काला ठा लिया। लड़की की नेगा उसमें लाला जी में उसकी नजर पड़गी, वहां लाला जी ने तो गड़बड़ कर दी, दोनों पत्थर काला ठा लिया, काला ठा के दोनों का डम गिर दिया। तो युवा ने सोच में पड़गी, मैं पत्थर काट दूंगी तो वो तो लेकड़े तो कालो वेगो, कालो लिकड़ेगा तो मैंने शादी करनी पड़ेगी, और शादी ना करूंगी तो ये ब्याज माफ ब्याज कौन तार है। तो फिर उसने सोच साच की न मन में ने सोची देखी जाएगी किम, तो भाई दिमाग उपाय लिकड़ेगा। उसने लड़की ने कड्डे मत एक पत्थर ठायो और पढ़न को ढोंग कर लियो, पत्थर ठा के न पड़ की मुठ्ठी खोल दी, तो वह और पत्थर पड़ा था उन्होंने रल गए, वो पत्थर रल गयो। तो लाला जी का तो एकदम न्यू धक्को सो लग गयो, आगे भाई गड़बड़ हो गया न, तो भगा दियो पड़ गयो न मैं। तो लाला जी बोले जो उसमें आके ने आके भाई पत्थर क्यों गिरा दियो, ये के बेरो पाटा को कौन सो पत्थर काटे है, इनका भाई मिला दियो तो भाई मिल गए पत्थर को, बेरो के पाटा को कौन सो पत्थर काटे है। तो वह लड़की बोली जट दे लाला जी के बात होगी, फिर अपन ने यो पत्थर है मिले से इसका, मैं पत्थर तो दो डाल का था, एक कालो था एक धोलो था, एक तो इसका महस है, अपन वो पत्थर का डांगान तो अपन न्यू बेर पड़ जाएगा, बाहर को जो पत्थर पड़ियो है धोलियो है सब, भीतर कालो था तो बाहर धोलो पड़ गयो, और भीतर धोलो था तो बाहर कालो पड़ गयो, कालो पड़ गयो।
तो लाला जी ने तो बेरो तो गड़बड़ तो होली भीतर तो कालो ही पाओगो और कालो भीतर से तो शादी कर नहीं सके। उनको तो मन को तो मुंह को तो पानी उतरे गए तो भाई किसान किसान साथ वो किसान ने वो भाई किसान लाल ने वो काटे पत्थर तो वो काला रंग को लिकड़े आयो उसने धरिया हाथ पहनियो लाला जी तो काला रंग को सा तो उसने उसको ब्याज भी माफ करो लड़की शादी और लड़की तो शादी कौन करनी पड़ी तो शादी तो जिद करें जी वो पत्थर दोड़ो लेकड़े उसकी असरी थी भाई दोड़ो पत्थर तो आवेगो तो मैं इसके साथ शादी भी नहीं करूँ और तारो ब्याज माफ ब्याज भी तारूंगा और जब भाई पत्थर कालो आयो इसके हाथ में तो शादी करनी पड़ेगी मैं तारो ब्याज तार दी। तो लड़की शायद हाँ समझदारी हाँ समझते उस लड़की ने आपको मतलब बचाव करो आपको भी और आपके पिताजी को भी पिताजी भी उसका साथ शादी कर दे तो वो जीव क्यों मन में चिंता तो रहे आगे देख तीन बेटी किसी पाले ने बुढ़ा के ब्याह दी मजबूरी उसकी मजबूरी को सही वो न्यू कर किन्नर वही उस लड़की ने अपनी जान बचाई और बाप की भी राखी तो जब वह क्या करें भाई हाँ जो कोई भी काम करें तो वो समझदारी तो करना चाहिए समझदारी ते सारा काम बने है अक्कल ते ही हंगा तो कोनी बने हंगो तो उसने दिखावे सेठ ने कहा मतलब मेरी कोनी ब्याह शादी तो कोनी शादी करूं लड़की की सेठ आके हंगो थोड़ी चला तो ब्याज तला दब रियो थो लड़की समझदार थी उसने मम्मी जानी बचा ली बाप को कर देता है तो उसने लड़की ने अपनी समझदारी ते और भाई आपकी जान भी बचाई और ये मतलब है आपके पिताजी की वो भी कर्जो भी तारे सब भाण भैया ने राम राम, राम, राम।